भारतीय रेल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर है, जिसके लिए भारतीय रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में लगी हुई है, जिसका उदाहरण है विभिन्न स्टेशनों और कोचिंग डिपो में स्थापित ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। हाल ही में असम के गुवाहाटी में स्थित नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कामाख्या कोच मेंटेनेंस डिपो में भी ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे पानी, समय और मैन पावर की बचत हो रही है। इस आधुनिक कोच वॉशिंग प्लांट की सहायता से न सिर्फ पानी की बचत हो रही है, बल्कि ट्रेन के कोचों की धुलाई भी शानदार तरीके से हो रही है, जिससे कोच चंद मिनटों में चमक जाते हैं। इससे पहले मैन्युअली एक ट्रेन के कोच को धोने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत होती थी, लेकिन ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट से केवल 300 लीटर पानी में पूरा कोच धुल जाता है। वहीं इस 300 लीटर पानी में से 80% रिसाइकल्ड पानी होता है और प्रति कोच धोने के लिए ताजा पानी केवल 60 लीटर ही लगता है। इससे 96% पानी की बचत होगी, यानी सालाना 1.28 करोड़ लीटर पानी की बचत हो सकेगी। वहीं ये प्लांट रोजाना 300 से 350 कोचों की सफाई कर सकता है। ये प्लांट ऑटोमेटिक इन नेचर है, हमें चलाने के लिए आदमी को हमेशा रखना नहीं पड़ता। जैसे ही कोई ट्रेन आती है, ये सेंस कर लेता है कि ट्रेन आ रहा है और मशीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है। ऐसा ही ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट दक्षिण पूर्व रेलवे के पदमपुकुर शालीमार कोचिंग डिपो पर स्थापित किया गया है, जहां महज 7 से 8 मिनट में 24 रैक वाली एक पूरी ट्रेन की धुलाई हो रही है। भारतीय रेल पूरे देश के स्टेशनों और कोचिंग डिपो में इस तरह के वॉशिंग प्लांट लगाने में लगी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी, समय और मैन पावर की बचत की जा सके और स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सके।